टिकिंग पे नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें हैं कुछ, उनका रुख करते हैं, जहां शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज फैसला करेगी। इस केस में 9 दिनों की सुनवाई के बाद 16 मार्च को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की दलीलें सुनी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। उद्धव पक्ष ने एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया था कि मामले को 2016 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच भेजा जाना चाहिए। पीठ ने प्रारंभिक मुद्दों पर 3 दिनों तक दलीलें सुनी। पीठ ने 17 फरवरी को मामले के गुण दोष के साथ इस प्रारंभिक मुद्दे का विचार करने का फैसला किया। उसी दिन चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने का आदेश किया। पीठ ने 21 फरवरी से मामले के गुण दोष के आधार पर सुनवाई शुरू की थी। उद्धव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत ने बहस की। शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, हरीश सालवे, महेश जेठ मलानी और मनिंदर सिंह ने बहस की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से दलील दी है।